नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बुनकर जाति किसे कहते हैं या जुलाह जाति किसे कहते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी जा रही जानकारी की प्रामाणिकता या वास्तविकता का मैं किसी भी तरह का कोई भी दावा नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने इस वीडियो को तैयार करने में वास्तविकता या प्रामाणिकता का संपूर्ण ध्यान रखा है। यदि मेरी जानकारी किसी को त्रुटिपूर्ण लगती है तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखें, यदि हम इतिहास के पन्नों को खगोल कर देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो कहीं पर जाति का निर्धारण है उसके वंश या गोत्र के आधार पर नहीं किया गया है। इतिहास के पन्नों को हम देखते हैं तो जाति का निर्धारण है कर्म के आधार पर बांटा गया है। जो इतिहास की हमारी जो जाति बनी है कर्म के आधार पर बनी है। जैसे मैं लोहार हूँ तो मेरे पूर्वज थे तो वह लोहे का कार्य करते थे और इस प्रकार हमारी जाति लोहार बन गई थी। तो इस प्रकार जो जाति का निर्धारण हुआ है तो हम सबसे पहले देखते हैं बुनकर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखें, बुनकर का अर्थ होता है, बुनकर का सामान्य हिंदी अर्थ है बुनाई करने वाला, बुनाई करने वाला। अर्थात जो प्राचीन समय में वस्त्रों की बुनाई करते थे वह बुनकर कहलाते थे, उन्हें हम जुलाहा कहते थे। तो बुनकर किसे कहते हैं? जो बुनाई का कार्य करते हैं वह बुनकर या जुलाहा कहलाते हैं। तो बुनकर का सामान्य अर्थ हिंदी अर्थ होता है बुनाई का काम करने वाले या जुलाहा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। हमने बुनकर शब्द के उपनाम पर वीडियो बनाया है, बुनकर जाति के उपनाम पर वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। नमस्कार मित्रों।